है डभोड़ा हनुमान जी के मंदिर, तो चले चलते हैं। और मैं आपको एक बात भी बता दूँ कि आज मेरा बर्थडे भी है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है डबोड़ा हनुमान जी का मंदिर, सो अभी हम अंदर जाएंगे। बोलो जय श्री राम। तो अभी हम इधर चप्पल हमारी उतारेंगे, चप्पल जूते, और हम जाएंगे अंदर। मम्मी और दादा तो आगे निकल गए, अब मेरे को भागना पड़ेगा उनके पीछे पीछे, नहीं तो मैं खो जाऊंगा। इन सब लोगों की ऊंची ऊंची हाइट है, मेरे को तो हनुमान जी के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। और ये मेरे को बगल से आ रहे हैं, नींद आ रही थी, सुबह जल्दी जल्दी उठा लिया मेरे को। ये है मंदिर के पीछे की जगह जगह जहाँ सब अपने श्रीफल वधारते हैं। और ये इधर सब आपको क्या कहते हैं प्रसादी मिलेगी। ये प्रसादी में आपको सुखड़ी मिलेगी, और इधर सब लाखों तो नहीं, मतलब हजारों साधु संत आते हैं डभोड़ा हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप भी दर्शन कर लीजिए। अभी मैं इमासी के पगे लगूंगा। ये मंदिर के आगे का बाजार है, इधर आपको खिलौने, खाने पीने की चीजें और अन्यथा मतलब उस सब चीज़ें आपको मिलेगी इधर, श्रीफल तेल और भी बहुत कुछ। ये हनुमान जी के मंदिर के आप थोड़ा पीछे आओगे तो आपको ये शनिदेव और राम जी का और शिव जी का मंदिर मिलेगा। मैं राम जी का मंदिर दिखाना आपको भूल गया, लेकिन शनिदेव और शिव जी का मैंने दिखाया है। ये शिव जी
सूर्य देव का, शनि देव का मंदिर है ये। इधर सब तेल चढ़ा रहे, मैं अभी तेल चढ़ाऊंगा और तिलक भी करूंगा। तो अभी मैं भी घंटी बजाने की कोशिश करूंगा। बोलो जय श्री राम। सब ऐसे इजीली घंटी बजा, लेकिन मेरी छोटी हेड की वजह से मैं घंटी नहीं बजा सकता। मैं बजा सकता लेकिन खुद का मारते। और ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी का। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे दादा को लेने पार्किंग में। सभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।